हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वी एम एकेडमिक क्लासेस नासिक हम देख रहे हैं हमारे इलेवन ट्वेल्थ का केमिस्ट्री हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर सेवन एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप सिक्सटीन सेवनटीन एंड एटीन इसका आज लेक्चर नंबर नाइन आज के लेक्चर में हमें देख रहे हैं ऑफ जेनॉन लास्ट तीन चार लेक्चर से हम कंटिन्यूस देख रहे हैं पहले मैंने हमें ऑक्सीजन हम उसके कंपाउंड देखे फिर सल्फर के कंपाउंड देखे फिर क्लोरिन के कंपाउंड देखे लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था लास्ट लेक्चर में हमने कंपाउंड्स देखे थे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स देखे थे और आज के लेक्चर में हमें देखने कंपाउंड्स ऑफ जेनॉन तो इस चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर है तो चलो स्टार्ट करते हैं कंपाउंड्स ऑफ जेनॉन हमें पता है जेनॉन इनर्ट गैस है लेकिन बड़ी साइज होने की वजह से और इसका डी ऑर्बिटल क्या है वैकेंट है इसकी वजह से ये कुछ कंपाउंड बनाता है तो उसके कंपाउंड देखते तो आज का लेक्चर नंबर नाइन चल रहा है चैप्टर नंबर सेवन एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप सिक्सटीन सेवनटीन एटीन ट्वेल्थ केमिस्ट्री विथ वी एम अकेडमी नासिक तो चलो कंपाउंड्स ऑफ जेनॉन देखना है इससे पहले आपके टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन है कैन यू रिकॉल फ्रॉम पेज नंबर वन सिक्स जीरो वन सिक्सटी पे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट इज द को रिलेशन बिटवीन आयोनाइजेशन एनर्जी एंड द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो जितनी इंक्रीज होगी ओके okay, उतना क्या होता है रिएक्टिविटी जो होती है कंपाउंड की रिएक्टिविटी क्या होगी डिक्रीज होगी मतलब क्या होगा आंसर हाइयर द आयोनाइजेशन एनर्जी लेस द रिएक्टिविटी रियक्टिविटी एनर्जी मतलब आयन में कन्वर्ट अगर किसी एलिमेंट के लास्ट सेल से हमें इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो उसे एनर्जी देनी पड़ेगी उसे एनर्जी दोगे तभी वो अपने लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा क्योंकि उसने उसे, उसे होल्ड करके रखा है तो इतनी जितनी ज्यादा एनर्जी लगेगी आयन में कन्वर्ट करने के लिए उतनी कंपाउंड की रिएक्टिविटी क्या होती है कम होती है दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे ट्रेंड ट्रेंड बताना है हमें आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन अ ग्रुप अगर किसी ग्रुप में आप ऊपर से नीचे जा रहे हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड होता है डिक्रीज होगी या फिर इंक्रीज होगी तो वाइल डाउन गोइंग डाउन टू द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है डिक्रीज़ होती है कम एनर्जी लगने लगती है क्यों क्योंकि एटम का साइज बढ़ने लगता है न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ने लगता है और जितना न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगा उतने कम एनर्जी में क्या होते हैं लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं सेपरेट हो सकते हैं तो कम एनर्जी लगेगी तो ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या होगी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी डिक्रीज होगी इन द ग्रुप एक क्वेश्चन है हमें कमेंट करना स्टेटमेंट पे नोबेल गैसेस आर इनर्ट हमें पता है उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट होता है वो क्या होते हैं इनट होते हैं उनका इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है मोस्टली एन एच टू एन पी सिक्स होता है मतलब उनके उनका ऑक्टेट क्या है यहाँ पे कंप्लीट है फिर भी यहाँ पे क्रिप्टॉन जेनॉन और रेनॉन रेनॉन क्या करते हैं कुछ कंपाउंड क्या कर रहे हैं फॉर्म कर रहे हैं तो उन्होंने ऐसे पूछा है कि क्रिप्टॉन जेनॉन और रेनॉन रेडॉन सॉरी तो रेडॉन क्या कर रहे हैं कंपाउंड क्यों फॉर्म कर रहे हैं अगर ये नोबेल से इनर्ट है इनका इलेक्ट्रॉनिक कंप्युकेशन भी कंप्लीट है तो ये ऐसे कंपाउंड क्यों फॉर्म कर रहे हैं हमें कमेंट करना है तो हमें पता है नोबेल गैसेस जो होते हैं वो कौन से ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं एट एटीन ग्रुप में एलिमेंट के टेबल के इनका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है बहुत ही ज़्यादा है मतलब लास्ट सेल से इलेक्ट्रॉन अगर निकालने तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती ओके इसलिए इनकी रिएक्टिविटी क्या है बहुत ही कम है रिएक्टिविटी क्योंकि बहुत ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी है आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी रिएक्टिविटी उतनी क्या होती है कम होती है तो जो नोबेल गैसेस होते हैं ये क्या होते हैं कंप्लीटली फील्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है इनका इसलिए ये क्या होते हैं इनर्ट होते बट जो फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो क्या होता है डिक्रीज डाउन द ग्रुप तो ऊपर से नीचे जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है डिक्रीज होने लगती है ऊपर के लिए ज़्यादा लगेगी फिर कम लगेगी फिर कम लगेगी ऐसे क्यों क्योंकि आइटम के साइज़ बढ़ते जा रहे हैं और जो हेवी नोबेल गैसेस है जैसे कि क्रिप्टॉन है जेनॉन है या फिर रेडॉन है कैन बी फॉर्म द कंपाउंड ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एनर्जी तो इनका लो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है इसीलिए ये क्या करते कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं और इनका साइज क्या है बहुत ज़्यादा बड़ा है हेवी नोबेल गैसेस ये तो चलो हमें कौन से कौन से जेनॉन के कंपाउंड देखने है? वो देख लेते हैं हमें तीन कंपाउंड देखने हैं जेनॉन डाईफ्लोराइड जेनॉन ट्राई और तीसरा हमें देखना है ऑक्सीफ्लोराइड ऑफ जेनॉन तो तीनों को हम डिटेल में देखते हैं पहला हम देखेंगे जेनॉन फ्लोराइड तो इसका हमें देखना है प्रिपरेशन और इसके इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस देखने तो चलो देखते हैं जेनॉन फ्लोराइड तो चलो पहले देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ द जेनॉन फ्लोराइड्स तो जेनॉन ड्राई डाई फ्लोराइड टेट्रा फ्लोराइड और एग्जा फ्लोराइड क्या है यहाँ पे बन सकता है तो देखो क्या होगा जेनॉन फ्लोराइड आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ जेनॉन एंड फ्लोरिन इन डिफरेंट रेशियो कंडीशन सच एज टेम्परेचर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर यूज्ड तो यहाँ पे जेनॉन फ्लोरिन एक ही मोल फ्लोरिन का सील्ड निकल ट्यूब में होता है 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में तो यहाँ पे बनता है जेनॉन जेनॉन डाई फिर 3, 3 मोल के साथ सेम कंडीशन में सिर्फ फाइव टू सिक्स ए टी क्या प्रेशर अप्लाई करना है तो यहाँ पे बनता है जेनॉन टेट्रा फ्लोराइड फिर जेनॉन टू आ, यहाँ पे एफ टू चाहिए था टू आ, क्या होगा एफ टू जो होगा सेम रिएक्शन सिर्फ यहाँ पे कंडीशन चेंज हुई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब और माइनस फिफ्टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो यहाँ पे भी बनेगा जेनॉन टेट्रा फ्लोराइड और जब जेनॉन क्या होता है थ्री मोल्स ऑफ एफ टू के साथ रिएक्ट होता है इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब एट लो टेम्परेचर तब ये क्या बनाता है यहाँ पे बनाता है जेनॉन हेक्सा फ्लोराइड तो ऐसे क्या होता है इसका प्रिपरेशन होता है तो चलो अभी हमें देखने इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस ऑफ जेनॉन फ्लोराइड तो यहाँ पे पहली रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस इस पर क्वेश्चन भी आता है व्हाट इज द एक्शन ऑफ एस ई एफ टू ऑन द वाटर एंड पी एफ फाइव तो वाटर मतलब हाइड्रोलिसिस या एक्शन ऑफ वाटर भी कह सकते हो तो क्या होगा जेनॉन यहाँ पे डायफ्लोराइड जो है इसके साथ वाटर जब रिएक्ट होता है तो यहाँ पे क्या क्या बनता है सबसे पहले यहाँ पे जेनॉन सेपरेट होता है उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोराइड बनता है और ऑक्सीजन गैस क्या होगा रिलीज होगा सेकंड है जब एक्स सी एफ टू की रिएक्शन पी एफ फाइव के साथ होती तो यहाँ पे एक एडक्ट बनता है एडक्ट मतलब इंटरमीडिएट कंपाउंड या फिर अनस्टेबल होता है थोड़ा सा तो एक्ससी एफ फाइव एफ टू और यहाँ पे क्या है पी पी एफ पी एफ फाइव इनके कॉम्बिनेशन से एक्स सी एफ टू डॉट पी एफ फाइव ए क्या बनेगा यहाँ पे एडक्ट फॉर्म होगा सेकंड हमें जेनॉन का कंपाउंड देखना है जेनॉन ट्राईफ्लोराइड फ्लोराइड एक्सी एफ थ्री कहा जाता है इसे तो देखो प्रिपरेशन इस पे भी क्वेश्चन आता है आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है हाउ आर एक्ससी एफ थ्री प्रीपेयर ये एनसीआर टी का भी क्वेश्चन है इसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है दो मार्क के लिए तो देखो सबसे पहले क्या है यहाँ पे जो होगा फ्लोराइड्स ऑफ जेनॉन रिएक्ट विद द वॉटर टू फॉर्म एक्सी ओ थ्री तो जेनॉन फ्लोराइड क्या है वाटर के साथ रिएक्ट होकर यहाँ पे एक्सी O3 को क्या है प्रिपेयर करते और दूसरा भी वही है कि जेनॉन के क्या है फ्लोराइड है वाटर के साथ रिएक्ट होकर क्या बनाएंगे यहाँ पे एक्सी ओ को बनाएंगे यहाँ पे हम ट्राई फ्लोराइड की नहीं है ट्राई ऑक्साइड की बात कर रहे हैं जेनॉन ट्राई ऑक्साइड सॉरी तो यहाँ पे देखो ये जेनॉन ट्राई ऑक्साइड बन रहा है और ये जेनॉन ट्राई ऑक्साइड यहाँ पे बन रहा है तो जेनॉन ट्राई ऑक्साइड कैसे बनेगा फ्लोराइड क्या होगा वाटर वाटर के साथ रिएक्ट होकर जेनॉन ट्राई बनाएगा इन दोनों रिएक्शन से तो फ्लोराइड्स ऑफ जेनॉन रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म द जेनॉन ये है मतलब क्या है जेनॉन ट्राई ऑक्साइड थर्ड हमें देखना है ऑक्सी फ्लोराइड ऑफ जेनॉन मतलब जेनॉन ऑक्सीजन और फ्लोरीन का कॉम्बिनेशन तो कभी कभी क्वेश्चन आता है गिव फोर केमिकल फॉर्मूलाज अब जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड तो जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड के ये चार कंपाउंड बनते हैं तो हम चारों के नाम भी देख लेते हैं क्या है ओके तो यहाँ पे ये चार कंपाउंड बनेंगे जेनॉन ट्राईफ्लोराइड के तो चलो हर एक का नाम भी देख लेते हैं आपके इसमें ना मिसिंग टर्म के लिए दिया गया है ये नाम इनके तो आप वहाँ पे भी ये करेक्ट कर लोगे ओके यूज़ योर ब्रेन पावर करके ऑन पेज नंबर 162 सिक्सटी टू यहाँ पर ये चार नाम दिए और हमें क्या करना है मिसिंग टर्म को लिखना है तो चलो देखते हैं सबसे पहला क्या है यहां पर एक्सी ओ एफ टू इसका नाम होता है जेनॉन मैच द पेयर में भी आता है ये जेनॉन मोनो ऑक्सी डाय फ्लोराइड सब एक साथ ही लिखना है जेनॉन जेनोने ऑक्सीजन है, एक ही टाइम है इसलिए क्या आएगा मोनो ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन फ्लोरिन दो टाइम है इसलिए डाय और इसका नाम होगा फ्लोराइड सेकंड का हम लिख सकते हैं यस हम लिख सकते हैं अभी नाम इजी हो जाएगा झेनॉन डायऑक्सी आ रहा है समझ में जेनॉन डाई ऑक्सी फ्लोरिन भी दो टाइम है तो क्या हो जाएगा डाय फ्लोराइड थर्ड आएगा जेनॉन थ्री टाइम है ऑक्सीजन तो बन जाएगा ट्राई ऑक्सी डाई फ्लोराइड क्योंकि फ्लोरीन तो दो ही टाइम है ना नेक्स्ट देखो ये वाला ये होगा जेनॉन ऑक्सीजन कितने टाइम है दो टाइम है तो ऑक्सी और ये कितने टाइम है टेट्रा मतलब चार चार टाइम है टेट्रा फ्लोराइड तो ये इनके चार नाम है और ये चार क्या है ऑक्सी बनते हैं जेनॉन के इनको कहा जाता है जेनॉन ऑक्सी फ्लोराइड तो कभी कभी ये मैच द पेयर में भी आता है तो आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन इस पे मैच द पेयर तो उतना आप लोग इस नाम से कर सकते हो और मिसिंग में भी दिया है यूज ब्रेन पावर में मिसिंग टेबल में कुछ दिए और कुछ मिस है तो उसे भी आप क्या कर सकते हो यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो तो चलो अभी हमें प्रिपरेशन देखना है पहले हम देखेंगे एक्सीओ एफ फोर का प्रिपरेशन तो इसका प्रिपरेशन कैसे बनता है आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है हाउ एक्सई एफ फोर प्रिपेयर तो टी का भी क्वेश्चन है और एक्सरसाइज का भी है तो इसे इस वे से प्रिपेयर किया जाता है तो यहाँ पे हमने यूज किया है ये जेनॉन जेनॉन का क्या होगा पार्शियल हाइड्रोलिस कंप्लीट नहीं होता पार्शियल थोड़ा सा हाइड्रोलिस होगा तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है जेनॉन मोनो ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड तो ये क्या है यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा तो नाम लिख दू क्या तो इसका नाम होगा जेनॉन सिक्स टाइम क्या है यहाँ पे प्रेजेंट है तो हो जाएगा हेक्सा और फ्लोरीन है इसलिए बन जाएगा फ्लोराइड इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर और यहां पे ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इसका नाम क्या है जेनॉन एक ही टाइम है तो डायऑक्सी और चार टाइम फ्लोरीन है तो टेट्रा फ्लोराइड तो ये बन जाएगा जेनॉन क्या है जेनॉन डाई नहीं है मोनो है ना एक ही टाइम है ऑक्सीजन ऑक्सी टेट्रा फ्लोराइड और यहां पे ये जो बनता है ये क्या है हाइड्रोजन फ्लोराइड बनता है तो ये इसका प्रिपरेशन है एक्ससीओ एफ इज प्रिपेर बाय पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ जेनॉन हेग्जा फ्लोराइड या फिर एक्ससीएफ सिक्स कह सकते हो सेकंड प्रिपरेशन हमें देखना है एक्सई एफ टू का मतलब जेनॉन डाई फ्लोराइड कैसे बनेगा तो इसे बनाने के लिए यूज़ किया जाता है ये भी पार्शियल क्या होगा यहाँ पे हाइड्रोलिसिस XeF4 एफ फोर वाटर के साथ इसका हाइड्रोलिसिस होगा यहाँ पे थोड़ी सी हीट की ज़रूरत होती है एटी डिग्री सेल्सियस तो यहाँ पे बनता है एक्सी ओ एफ टू और इसके साथ टू एच एफ क्या होंगे यहाँ पे रिलीज होंगे तो इसका नाम होगा अभी जेनॉन टेट्रा फ्लोराइड वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करके क्या बनाएगा यहां पे जेनॉन मोनो ऑक्सी फ्लोराइड नाम याद रखो अच्छे से ओके तो ये ऐसे बनता है बाय पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ जेनॉन टेट्रा फ्लोराइड नेक्स्ट टाइम एक्सी ओ टू एफ टू जेनॉन डाई ऑक्सी ओके okay, कैसे बनेगा देखो तो क्या होगा रिएक्शन ऑफ जेनॉन मोनो ऑक्सी टेट्रा फ्लोराइड विथ एस आई ओ टू तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ट्वाइस ऑफ एक्स ई ओ एफ फोर इसका नाम क्या होगा जेनॉन मोनो ऑक्सी टेट्रा फ्लोराइड इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी एस आई ओ टू की इसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिका भी कहा जाता है यहाँ पे हमें मिलेगा टू एक्सी ओ टू एफ टू और इसके साथ एस आई एफ फोर क्या होगा रिलीज होगा तो इसका नाम क्या आएगा अभी ऑक्सी डायऑक्सी फ्लोराइड तो ये बनेगा ये क्या है जेनॉन मोनो ऑक्सी टेट्रा फ्लोराइड इससे ये बनता है इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है सिलिका के साथ करनी है तो यहाँ पे हमें मिलेगा जेनॉन डाई फ्लोराइड डायफ्लोराइड यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होता है फॉर्म होता है ये एक रिएक्शन हो गई और एक वे इसे बनाने का इसे वाटर के साथ भी बना सकते हो तो देखो यहाँ पे इसकी जगह पे दूसरा पेन यूज़ करती हूँ मैं आपको समझ में आए तो इसकी जगह पे क्या है एच टू ओ भी यूज़ किया जाता है वाटर ओके और इसका एक ही मोल यूज़ किया जाएगा एक्सी एफ फोर का तब भी क्या बनता है यहाँ पे वन मोल ऑफ एक्सी ओ टू एफ टू जेनॉन वही नाम रहेगा सिर्फ यहाँ पे क्या फॉर्म होते हैं टू एच एफ मतलब दो वे से हम इसे क्या कर सकते है फॉर्म कर सकते है एस आई ओ टू के साथ रिएक्शन करके और दूसरी एच टू ओ के साथ मतलब हाइड्रोलिसिस करके भी हम क्या कर सकते हैं इसे बना सकते हैं तो ये था प्रिपरेशन ऑफ एक्ससी ओ टू एफ टू जेनॉन डाई ऑक्सी डायफ्लोराइड नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन तो क्वेश्चन कॉमन है चार रिएक्शन दिए कंप्लीट द फॉलोविंग ऐसे का है रिएक्शन भी नहीं बोला है कम्प्लीट द फॉलोइंग का है पहली रिएक्शन दी है ट्वाइस ऑफ एक्स फोर प्लस एस आई ओ टू और यहाँ पे एक प्रोडक्ट दिया है एस आई एफ फोर तो ये रिएक्शन अभी हमने देखी प्रिपरेशन की तो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होता है ट्वाइस ऑफ एक्स ई ओ टू एफ टू क्या नाम होगा इसका जेनॉन डाई ऑक्सीड डाईफ्लोराइड प्रोडक्ट फॉर्म होगा दूसरी रिएक्शन क्या दी देखो तीन ही है एक्स ई एफ सिक्स प्लस एच टू ओ हाइड्रोलिसिस करना है इसका और हमें प्रोडक्ट बताना है यहाँ पे टू एच एफ लिखा है तो देखो यहाँ पे भी क्या होगा यहाँ पे क्या फॉर्म होगा एक्स ई ओ एफ फोर क्या होगा फॉर्म होगा तो ये क्या है जेनॉन मोनोऑक्सी तीसरा रिएक्शन जेनॉन मोनोऑक्सी टेट्राफ्लूराइड एच टू ओ के साथ इसकी रिएक्शन होके यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है पूछा है उन्होंने तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे फॉर्म होगा XeO2 टू एफ टू तो ये है जेनॉन डाई ऑक्सी डाईफ्लोराइड क्या होता है यहाँ पे फॉर्म होता है तो ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी आपके एग्जाम में दो मार्क के लिए दो रिएक्शन देते हैं और आपको पूछते हैं कि प्रोडक्ट लिखो तो ऐसे लिख सकते हो इसलिए रिएक्शन को एक दो बार अच्छे से लिख के देखो तो चलो एक टेबल दिया है और उसे कंप्लीट करना है कुछ कंपाउंड दिए उनके हमें ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है क्या होती है जेनॉन की कहा है वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जेनॉन की मतलब हमें इसकी 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 और इसकी क्या करनी है ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है और शेप भी लिखना है तो वैसे तो हम सारे स्ट्रक्चर देखने वाले आपके बुक में शायद स्ट्रक्चर नहीं दिए हाँ दिए एक चार्ट में दिए तो हमें देखने तो चलो यहाँ पे देखो इसका होगा माइनस वन तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा प्लस टू चाहे तो कैलकुलेट करो इसका होगा माइनस वन तो झेनॉन का आएगा प्लस फोर इसका होगा माइनस वन तो झेराक्स का झेनॉन का आएगा प्लस सिक्स इसका होगा माइनस टू टू थ्री टू जिक्स यहाँ पे होगा प्लस सिक्स इसका होगा माइनस वन माइनस टू तो फोर प्लस टू कितना आएगा यहाँ पे प्लस सिक्स तो ये होगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जेनॉन चाहे तो आप लोग फार्मूला यूज़ करके कैलकुलेट करके भी देख सकते हो मैं एक करके दिखाती हूँ यहाँ पे ये वाला एक्स ई ओ एफ फोर तो इसका हमें कंसिडर करना है एक्स ये है माइनस टू ये है माइनस वन तो चलो एक्स प्लस वन इंटू माइनस टू क्योंकि ऑक्सीजन एक ही टाइम प्रेजेंट है प्लस फोर इंटू फ्लोरिन चार टाइम है और न्यूट्रल है सो एक्स माइनस टू माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी प्लस सिक्स तो यहाँ पे जेनॉन का कितना है प्लस सिक्स वैसे हर एक का आप लोग क्या कर सकते हो कैलकुलेट कर, कर सकते हो तो इसलिए मैंने बताया है कि लास्ट जो है हमारा चैप्टर था लास्ट ईयर का रेडॉक्स रिएक्शन उसे एक बार देख लो क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था और हमने बहुत अच्छे से भी देखा था अभी हमें शेप की बात करनी है तो शेप क्या होंगे इनकी एक्सी एफ टू यहां पर होता है बच्चों लीनियर इसका लीनियर शेप होगा ये होगा स्क्वायर प्लेनर स्क्वायर प्लेन में ही रहेगा तो स्क्वेयर प्लेनर ये होगा थोड़ा सा डिस्टॉर्ट distort होगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टेहाइड्रल ये होगा ट्राइगोनल पिरामिडल नॉट बाय पिरामिडल ना ओनली ट्राइगोनल पिरामिडल मतलब नीचे ऐसा ट्राइगोन होगा और ऊपर ऐसे पिरामिड फॉर्म होगा ड्रॉ करके देखते हैं हम उसके बाद आएगा ये वाला होगा स्क्वेयर पिरामिडल ये ट्राइगोनल था ये स्क्वेयर स्क्वेर पिरामिडल तो ऐसे क्या होंगे इनके शेप होंगे तो कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में कुछ भी पूछ लेते हैं मैच द पेयर फिलिंग द ब्लैंक्स ऐसे कुछ भी पूछते हैं या फिर एम में भी आ जाता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर पहला स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना है एक्स ई एफ फोर को तो चलो एक्स एफ फोर के स्ट्रक्चर को देखते तो यहाँ पे होगा जेनॉन यहाँ पे एक फ्लोरिन यहाँ पे एक फ्लोरिन यहाँ पे एक फ्लोरिन और यहाँ पे एक फ्लोरिन ओके अगर मैं डॉट से जॉइन करने जाऊँ और इस पर दो लोन पेयर भी होते हैं एक लोन पेयर यहाँ पीछे चला जाएगा और एक लोन पेयर ऊपर मतलब एक ऐसे होगा और एक बोर्ड के पीछे चला जाएगा तो अगर इसे मैं डॉट से जॉइन कर दूँ तो ये ऐसे दिखेगा देखो ये तो पीछे चला गया है ना ये ऊपर आ गया तो है तो ऐसा होगा एक्स ई क्या ये एक्स सी एफ एक एक से एफ सिक्स तो इसे क्या कहा जाता है, ए, है नहीं ये एफ फोर है इसका होगा प्लेनर. तो XeF4 क्या होता है प्लेनर और इसका कितना यहां पे प्लस फोर सेकंड देखते सेकंड उन्होंने कहा है XeF6 एफ सिक्स इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा यहां पे प्लस सिक्स होगा तो देखो कैसे आएगा तो यहाँ पे जेनॉन होगा सेंट्रल एटम हो। है वो सिक्स फ्लोर इन एक दो ये पीछे चला गया तीन ये ऊपर आया चार पाँच छ और एक क्या होगी इस पर पे? लोन पेयर तो एक्सई एफ सिक्स इसे क्या कहा जाता है कौन सा शेप है ये डिस्टोर्टेड मतलब थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो चुका है लोन पेयर की वजह से ऑक्टेयॉहेड्रल तो यह है डिस्टोर्टेड ऑक्टेयॉहेड्रल नेक्स्ट हमें देखना है दो मार्क के लिए कभी-कभी शेप पूछ लेते हैं XeO3 यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है प्लस सिक्स तो देखो स्ट्रक्चर कैसे आएगा Xe डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड विथ सेकेंड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड विथ थर्ड ऑक्सीजन और इस पे होगी एक लोन पेयर ओके तो देखिए कौन सा है एक्सई ओ थ्री है इसे कहा जाता है ट्राइगोनल पिरामिडल तो ये पे ट्राइगोनल पिरामिडल ओके तो ऐसे नीचे ट्राइगोन है और ऊपर एक ऐसे मतलब ऐसे पिरामिड आएगा तो इसे कहोगे ट्राइगोनल पिरामिडल ओके नेक्स्ट हमें देखना है नेक्स्ट शेप है एक्स ई ओ एफ फोर जेनॉन मोनो ऑक्सी यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा प्लस सिक्स होगा चलो शेप कैसे आता है देखते तो ये सेंट्रल एटम हो गया जेनॉन इसके साथ कितनी ऑक्सीजन है एक ही है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड एक लोन पेयर होगी वो नीचे चले जाएगी और यहाँ पे एक फ्लोरीन यहाँ पे एक फ्लोरीन यहां पे एक फ्लोरिन और यहां पे एक फ्लोरिन ऐसे चार फ्लोरिन क्या होंगे चारों साइड से अरेंज होंगे ओके तो ये कौन सा है एक्सई ओ एफ फोर होता है स्क्वायर पिरामिडल तो इसे हम कहेंगे स्क्वायर पिरामिडल तो देखो ऐसा स्क्वेयर बनेगा और ऊपर ऐसे पिरामिड बनेगा तो स्क्वेयर पिरामिडल क्या होगा इसका शेप होगा लास्ट हमें देखना है लास्ट वाला देखो एक्स ई एफ टू यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा इसका प्लस टू होगा तो यहाँ पे देखो कैसे आएगा स्ट्रक्चर तो यहाँ पे Xe ए एक फ्लोरीन ये दूसरा फ्लोरीन और इस पर तीन लोन पेयर होते वन टू एंड थ्री तो ये जो होगा एक्स ई एफ टू इसे कहा जाता है लीनियर शेप तो ऐसे लीनियर ही ऐसा ड्रॉ किया इसलिए अगर ऐसा ड्रॉ करेगी तो एक्स एफ एफ लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर तो ये क्या है सर लीनियर क्या है इसका शेप है तो इसे हम क्या कहेंगे लीनियर शेप तो कभी कभी एग्जाम में शेप ड्रॉ करने के लिए भी आ जाते हैं और जहनॉन तो बहुत फेवरेट है एग्ज़ाम वालों का चलो अभी हमें यूजेस देखने हैं बहुत ज़्यादा थेरी है इसलिए मैं लिख नहीं रही हूँ यही पे एक्सप्लेन करती हूँ आप लोग भी अपने बुक में देख लो पेज नंबर 162 है तो हमें देखने यूजेस तो पहला हम देख रहे हैं एलिमेंट हेलियम के क्या यूजेस है मिक्सचर ऑफ हेलियम ऑक्सीजन यूज यूज एज अ आर्टिफिशियल ब्रीदिंग फॉर द अस्थमा पेशेंट तो अस्थमा पेशेंट के लिए हेलियम और ऑक्सीजन का क्या है मिक्सचर दिया जाता है आर्टिफिशियल ब्रीदिंग के लिए ओके okay. सेकंड है मिक्सचर ऑफ हेलियम ऑक्सीजन यूज एज अ रेस्पायरेशन बाय द सी डाइवर तो जो पानी में डाइव करते हैं उनके लिए भी इन दोनों का मिक्सचर क्या दिया जाता है फॉर रेस्पायरेशन पर्पज जो टैंक होता है उस टैंक में फिल होता है नेक्स्ट है फॉर फिलिंग ऑफ बलून बलून में जो हवा होती है हम कहते हैं हेलियम गैस है उसमें अ मिक्सचर ऑफ हेलियम कितना होता है ये 85 परसेंट होता है और हाइड्रोजन कितना होता है 15 परसेंट होता है दोनों का मिक्सचर यूज करते हैं कहाँ पे बलून में हवा भरने के लिए उसके बाद है हेलियम इज यूज प्रोड्यूस प्रोड्यूसिंग द इनर्ट एटमोस्फीयर एटमोस्फियर रिक्वायर्ड फॉर वेल्डिंग पर्पज और मेटलर्जी और सम मेटल तो मेटल को जब भी हम हीट करते हैं तो एटमोस्फीयर ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट हो जाता है तो ये ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन ना हो इसलिए क्या है इनर्ट एटमोसफियर होना बहुत जरूरी है तो ऐसे कंडीशन में हेलियम को यूज़ किया जाता है टू क्रिएट द इनर्ट एटमोसफियर फॉर द वेल्डिंग पर्पज और मेटल एलर्जी पर्पज और कुछ और मेटल के जो प्रोसेसेस होंगे उनके लिए भी क्योंकि मेटल को हीट करोगे तो ऑक्सीजन के साथ वो तुरंत रिएक्ट होता है और रिएक्ट ना हो इसीलिए एनवायरमेंट कैसा चाहिए इनर्ट वहाँ पे कोई भी गैस प्रेजेंट नहीं चाहिए

फॉर द प्रोड्यूसिंग द लेजर्स तो लेजर के प्रोडक्शन के लिए भी इसे यूज किया जाता है उसके बाद यूज टू प्रेशराइज द फ्यूअल टैंक लिक्विड फ्यूएल रॉकेट तो जो लिक्विड फ्यूल यूज होते हैं रॉकेट में उनके जो टैंक होते हैं उनको प्रेशराइज करने के लिए भी हेलियम को यूज़ किया जाता है उसके बाद है हेलियम यूज एज अ शील्डिंग गैस फॉर द आर्क वेल्डिंग तो आर्क वेल्डिंग में ही भी इसे शिल्डिंग गैस के तौर पर क्या यूज़ किया जाता है उसके बाद है सुपरसोनिक जो होती है वाइंड टर्नल जो होते वहां पे इसे यूज किया जाता है उसके बाद हेलियम न्यूक्लियस इज यूज एज अ बम्बार्डिंग पार्टिकल ऑफ़ द डिसंटीग्रेशन ऑफ द एटम जब एटम का डिसइंटीग्रेशन करना है तो हीलियम के न्यूक्लियस को यूज किया जाता है एज अ बंबार्डिंग एटम क्योंकि इसके न्यूक्लियस में क्या होते हैं दो प्रोटॉन और दो क्या होते हैं न्यूट्रॉन क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते तो ये अल्फा पार्टिकल जैसा ही है इसलिए इसको हीलियम को यूज किया जाता है नेक्स्ट देखो इट इज यूज फॉर द मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो प्रोसेस है वहां पे भी हीलियम को यूज किया जाता है ये फिजिकल टर्म है एक वहां पर न्यू ऑन की यूजेस देखो न्यू डिस्चार्ज लैम्प और जो साइंस होते हैं तो न्यून डिस्चार्ज लैम्प आप लोगों को पता होगा तो इस लैंप बनाने के लिए इसे यूज किया जाता है द साइंस आर विजिबल फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस एंड अल्सो इन द मिस्ट और फॉग तो जो तो रोड पे साइंस होते हैं तो दूर से उस पर लाइट आ जाए तो ब्लिंक होने लगते है तो हमें पता चलता है कि कहाँ पे क्या है दूर से ही पता चलता है अगर मिस्ट और फॉग हो, हो तभी तो ये क्या है विजिबल होते है ये साइंस तो एक्सीडेंट से ये बचाते हैं तो ऐसे साइन बनाने के लिए न्यू गैस को न्यू को यूज किया जाता है मिक्सचर ऑफ न्यून हेलियम इज यूज एज अ सर्टन प्रोटेक्टिव इलेक्ट्रिक डिवाइस तो कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक डिवाइस है प्रोटेक्टिव इलेक्ट्रिक डिवाइस वहाँ पे न्योन और हीलियम का मिक्सचर क्या किया जाता है यूज़ किया जाता है सच एज अ वोल्टेज स्टेबिलाईज़र एंड करंट जो होती है रेक्टिफायर वहाँ पर क्या है इसे यूज़ किया जाएगा तो ये दो यूज़ है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लेजर लेजर के प्रोडक्शन के लिए न्योन को क्या किया जाता है यूज़ किया जाता है उसके बाद इन इनफ्लूरोसन ट्यूब तो आपको फिजिक्स में बहुत बार आएगा फ्लोरोसन ट्यूब तो फ्लोरोसन ट्यूब में भी न्योन को क्या किया जाता है यूज़ किया जाता है तो ये क्या होता है ब्लिंक होता है इसलिए इसको क्या किया जाता है यूज किया जाता है इन फ्लोरोसेंट ट्यूब उसके बाद देखो अर्गॉन अर्गोन हमें पता है ऑक्सीडेशन एटॉमिक नंबर कितना है फॉर प्रोड्यूसिंग इनर्ट एटमोस्फिर इन द वेल्डिंग एंड द स्टील प्रोडक्शन तो स्टील प्रोडक्शन में और वेल्डिंग में भी क्या है एटमोस्फियर इनर्ट होना जरूरी है नहीं तो एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन उसके साथ मेटल के साथ रिएक्ट होगा और अलग ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो स्टील के प्रोडक्शन में और वेल्डिंग में इनर्ट एटमोस्फियर बनाने के लिए अर्गन को यूज किया जाता है नेक्स्ट है मिक्सचर ऑफ 85 फाइव परसेंट अर्गॉन एंड 50 परसेंट एन टू इज फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ फिलामेंट जो टंगस्टंग की फिलामेंट होती है उस फिलामेंट की लाइफ इंक्रीज रहे क्यों वो कंटिन्यूस क्या होती है हाई टेम्परेचर में हीट होती है जब भी हम बल्ब को लगाते हैं तो हाई टेम्परेचर में वो हीट होती रहती है तो उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए 85 फाइव परसेंट अर्गॉन और 50 परसेंट नाइट्रोजन का मिक्सचर क्या है इलेक्ट्रिक बल्ब में फिल करते हैं ताकि वो क्या करे उस फिलाेंट की लाइफ को इंक्रीज़ करे क्योंकि वो हमेशा हॉट कंडीशन में रहती है तो वो गर्म होके टूट ना जाए तो उसकी लाइफ ये बढ़ाते नेक्स्ट है इन फिलिंग द फ्लोरोसेंट ट्यूब्स एंड द रेडियो हॉल्स तो फ्लोरोसेंट ट्यूब को फिल करने के लिए या रेडियो हॉल को फिल करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है अरगोन को इट इज़ द मिक्सचर विथ न्योन न्योन के साथ अगर मिक्स करते हो टू गेट द लाइट तो ये क्या करता है लाइट बनाता है वेरियस कलर के अलग अलग कलर के लाइट क्या है बनते हैं अगर अर्गॉन को हम किसके साथ मिक्स कर दें न्यून के साथ मिक्स कर दे तो, तो ये थे कुछ यूजेस थे जो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स थे उनके जैसे कि हेलियम न्यून अर्गॉन इस पर भी कभी कभी क्वेश्चन आता है तो आपके एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन है गिव टू यूजेस ऑफ न्यून एंड अर्गॉन तो न्यून के इन चारों में से कोई दो यूज और अर्गॉन के इन चारों में से कोई भी दो यूज आप क्या कर सकते हो यहाँ पे लिख सकते हो तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में फोर मार्क के लिए आता है तो यहाँ पे ये बच्चों ये चैप्टर जो है हमारा खत्म हो चुका है चैप्टर ख़त्म होने के बाद आप लोगों को एक होमवर्क है कि आप लोग जो अप्लाई योर नॉलेज करके क्वेश्चन दिए आपके बुक में पहले पूरी थेरी कर लीजिए फिर उस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए ताकि आपको समझ में आयागे कि हम आपको कितना समझ में आया है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है वो समझने के लिए एक्टिविटी ज़रूरी है तो आज के लिए इतना ही था जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तब तक के लिए पढ़ते रहिए नोट्स बनाइए खुद का ख्याल रखिए थैंक यू वेरी मच माई डियर स्टूडेंट्स